सब्सक्राइब कीजिए ड्रॉइड ज्ञान चैनल को और उसके बाद बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आप म्यूजिक लवर हो और ईडीएम साउंड्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये जो वीडियो है आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। इस वीडियो में मैं आपको जो ऐप्स के बारे में बताऊंगा, उस ऐप्स को यूज़ करके आप एक काफ़ी नीट एंड क्लीन हाई क्वालिटी ईडीएम साउंड पा सकते हो। ये जो सारे क्यूब देख रहे हो आप, ये सारे के सारे क्यूब ईडीएम मिक्सर के हर एक किस की तरह काम करता है। इस क्यूब को आप टैप करके एक काफ़ी अच्छा ईडीएम साउंड पा सकते हो। ये जो रेड बटन दिख रहा है इसको प्रेस करके आप इसे ऑफ कर सकते हो और एकदम लेफ्ट कॉर्नर में छोटे जो क्यूब दिख रहा हो उसको प्रेस करके आप इस पूरे जो क्यूब है इसका कलर चेंज कर सकते हो। इसका जो साउंड क्वालिटी है वो प्रोफेशनल है और बहुत ही अच्छा साउंड क्वालिटी आपको यहाँ से मिलता है। इसे आप यूज़ करके आपको खुद पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक कुछ साउंड क्रिएट करता हूँ, आप खुद इसे ट्राई कीजिए तो आपको पता चलेगा कितनी अच्छी म्यूज़िक यहाँ पर से मिलता है। इसे आप मैनुअली भी चला सकते हो और ऑटोमेटिकली भी चला सकते हो। तो मैनुअली चलाने में इसे बहुत ही मज़ा आता है, आप इसे ट्राई करके देख लीजिए। जो प्रोफेशनल ईडीएम मशीन्स होता है सेम उसकी तरह ये काम करता है, उसकी तरह यहाँ पर से आपको साउंड मिलेगा। तो जितना क्रिएटिव आप हो उतना अच्छा म्यूजिक आप पा सकते हो। इस ऐप को आप जितनी देर यूज करोगे आपको बोरिंग नहीं लगेगा। तो एक और कोशिश करता हूँ कोई अच्छा म्यूज़िक क्रिएट करने के लिए। मुझे लगता है मैं आप मुझसे ज़्यादा अच्छा चला लोगे इसे, मतलब जितना क्रिएटिवली आप इसे चला सकते हो उतना अच्छा म्यूज़िक आपको मिलेगा। बोरिंग टाइम में ये ऐप आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर जो शो कीबोर्ड दिख रहा है इससे आप उसका जो हर एक कीज का नेम आप देख सकते हो और इस यहाँ से आप इसे कीबोर्ड के थ्रू भी चला सकते हो। तो गाइस इस ऐप्स को अगर आपको यूज़ करना है तो मैं इसका नाम दिखा रहा हूँ, इसका नेम है प्ले स्टोर में आप सर्च कीजिए EDM Cube 2।